Everyone, we are today going to learn design of footing. There are two types of footing. One is a pad footing and one is a slope or trapezoidal footing. For a square column or if there is a mention to design a square footing, then we have to design square footing or which is called pad footing, or we have to design isolated footing if there is a mention accordingly. First question is, design an isolated square footing for a square column of 400 mm by 400 mm for axial load of 800 kN. Use concrete grid M20 Fe250 steel. Take safe bearing capacity of soil is 120 kN per meter square and check for shear is not required. Draw sketch of showing detail. Okay. तो यहाँ पे फुटिंग के एग्जांपल के अंदर एक तो कॉलम, जिस कॉलम के लिए डिज़ाइन करना है वो कॉलम की साइज़ दी हुई होगी. सेकेंड थिंग दिया होगा तो एक्चुअल लोड ऑन कॉलम, की कॉलम के ऊपर लोड कितना आ रहा है, और ये जो कॉलम है उसका फुटिंग डिज़ाइन करके हमें रेस्ट करना है सॉइल के ऊपर, सो दैट सॉइल की बैरिंग कैपेसिटी दी हुई होगी, सेफ बैरिंग कैपेसिटी जो किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगी. सो 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर दी गई है. ओके. और एरिया ऑफ कॉन्क्रीट ग्रेड और स्टील ग्रेड बिकॉज ऑफ रेनफोर्समेंट डिज़ाइन दिया हुआ है. सो यहाँ पे डिज़ाइन एज अ पैड फुटिंग क्योंकि स्क्वायर कॉलम है, या फिर यहाँ पे बोला है स्क्वायर फुटिंग की डिज़ाइन करो. आइसोलेटेड का मतलब क्या है? आइसोलेटेड मतलब एक अकेला, एक ही मेंबर को डिज़ाइन करना है. सो दैट इज़ अ आइसोलेटेड स्क्वायर फुटिंग. सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? साइज ऑफ फुटिंग, कि हमें फुटिंग की साइज डिसाइड करनी है. तो फुटिंग की साइज़ के लिए फर्स्ट स्टेप है, ये सब स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, सब स्टेप फिक्स ही है, मतलब एक आइडेंटिकल सम पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर. सो साइज ऑफ फुटिंग कैसे डिसाइड करेंगे? तो फर्स्ट है लोड ऑन कॉलम, जितना आ रहा हो वो लिखना है. देन सेकेंड, अज्यूम डेड लोड ऑन फुटिंग. अब ये क्या है, कॉलम का लोड तो आएगा प्लस फुटिंग का खुद का डेड लोड होगा, तो वो सेल्फ वेट कितना अज्यूम करते हैं? 10% ऑफ लोड ऑन कॉलम. सो वो हो जाएगा 10% ऑफ 800, सो हो जाएगा 80. तो टोटल लोड ऑन सॉइल क्या हो जाएगा? 880 किलोन्यूटन. अब एरिया ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ फुटिंग कैसे मिलेगा? तो टोटल लोड डिवाइड बाय सॉइल बैरिंग कैपेसिटी. सो सॉइल बैरिंग कैपेसिटी गिवन है, सो आ जाएगा 7.33 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ फुटिंग. अब जैसे हम कॉलम का डिज़ाइन के अंदर, हमें अगर कॉलम का ग्रॉस एरिया मिलता था तो हम कॉलम की साइज़ फिक्स कर देते थे स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट निकाल के. सेम वे कंसीडरिंग स्क्वायर फुटिंग, साइज ऑफ फुटिंग इक्वल टू अंडर रूट दिस एरिया ऑफ फुटिंग. सो मिल जाएगा वन साइड 2.7. अगर यहाँ पे कुछ अलग होता, मतलब कोई और फिगर होती, तो हमें उसको राउंड अप करना पड़ता. यहाँ पे एक राउंड अप फिगर है, सो 2.7 मीटर. सो प्रोवाइड स्क्वायर फुटिंग ऑफ साइज टू, ये क्या हो गया, हमारी एक साइड की साइज़ हो गई. सो 2.7 बाय 2.7 मीटर या 2700 mm की साइज़ का स्क्वायर फुटिंग की आपकी साइज़ फिक्स हुई है. अब एरिया प्रोवाइडेड का स्टेप हमेशा करना होता है, कि अगर यहाँ पे हमने राउंड अप किया है तो एरिया चेंज होगा, अभी नहीं किया है तो सेम एरिया रहेगा 7.3 मीटर स्क्वायर. सेकेंड स्टेप है नेट अपवर्ड प्रेशर. नेट अपवर्ड प्रेशर मतलब क्या, कि फुटिंग के ऊपर नीचे से प्रेशर जो आ रहा है वो कितना आएगा. सो अपवर्ड प्रेशर इक्वल्स टू फैक्टर लोड डिवाइड बाय एरिया फुटिंग प्रोवाइडेड. तो ये जो लोड है हमारे पास गिवन है वो है 800 किलो न्यूटन, जो सर्विस लोड है, जो फैक्टर नहीं है, वर्किंग लोड है. सो फैक्टर्ड करना है इनटू मल्टीप्लाई बाय 1.5 और डिवाइड बाय एरिया ऑफ फुटिंग प्रोवाइडेड. इसको अगर राउंड ऑफ किया होता तो वो अदरवाइज अभी है 2.7 बाय 2.7. सो इसका आंसर क्या आएगा? 164.61 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया नेट अपवर्ड प्रेशर. अब ये प्रेशर कहाँ पे काम आएगा, इसका काम क्या है? सो बैंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए. बैंडिंग मोमेंट फाइंड करता है, बैंडिंग मोमेंट में क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए. एक तो UDL, मतलब ये जो लगेगा वो, तो ये UDL चाहिए, और उसके लिए हमारे कैंटिलीवर के लिए इक्वेशन है WL² / 2. सो UDL हमें कैसे फाइंड आउट करना है? सो फर्स्ट थिंग के बैंडिंग मोमेंट के अंदर MU, अगर ये जो प्रेशर लग रहा है तो हमें क्रिटिकल सेक्शन अज्यूम करना है. क्रिटिकल सेक्शन पैड फुटिंग के अंदर ऑलवेज ऑन अ फेस ऑफ कॉलम ही अज्यूम करना है. तो ये कॉलम की फेस ऊपर मैं क्रिटिकल सेक्शन अज्यूम करती हूँ, और उसके आगे
का जो भी पोर्शन है फुटिंग का वहाँ पर नेट अपवर्ड प्रेशर लग रहा है, तो ये पूरा एज अ कैंटिलीवर बिहेव करेगा क्योंकि नीचे से प्रेशर ऊपर आएगा, राइट। सो दैट W कैसे मिलेगा, सो प्रेशर मतलब लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं ना मूवमेंट के लिए, सो सेम वे प्रेशर इंटू डिस्टेंस हो गया। सो प्रेशर लगेगा पूरे के अंदर, UDL के पूरे के अंदर, हमें तो डिज़ाइन इतने के लिए करना है पर UDL, सो P इंटू BF, सो अपवर्ड प्रेशर हो गया 164.61 इंटू 2.7 हो गया टोटल फुटिंग की साइज। सो आंसर है 444.45 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये जो क्रिटिकल सेक्शन लिया है, ये क्रिटिकल सेक्शन के लिए MU इक्वल्स टू WL स्क्वायर बाय 2 ये फॉर्मूला है। सो W अब मिल गया है, ये लिखेंगे इनटू L। L क्या हो जाएगा, ये जो क्रिटिकल सेक्शन है उसके हिसाब से। सो क्या है, ये हमारी टोटल साइज है 2700 या फिर 2700 करती हूँ अभी, 2700 में से 400 को माइनस करना है, जो जो डायमेंशन बचा उसको डिवाइड बाय 2, मतलब ये एक साइड का पोर्शन मिलेगा जो मिलता है 1150। सो 1150 mm है तो डिवाइड बाय 1000, सो 1.15 लेंथ हो गई। सो W इंटू L स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये हमें मिल जाएगी बेंडिंग मोमेंट ऑफ द फुटिंग। ये तीन स्टेप हो गए, आगे के स्टेप्स बाकी है जो नेक्स्ट वीडियो में हो गए।